हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रिमूव योर फेशियल हेयर क्विक एंड इजी स्टेप्स। इसमें मैं आपको डू एंड डोंट्स भी बताने वाली हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो है ये रेजर। ये आपको हर कहीं मिल जाता है, ये अमेजन पे है, नायका पे है, आपको लोकल स्टोर पे भी मिल जाएगा और मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा बहुत ही इजीली। सो आई डोंट हैव बहुत ज़्यादा हेयर ऑन माई फेस, बस बारीक बारीक से भूरे भूरे रुए हुए मेरे फेस पे। बट इसे यूज़ करने का सबसे मेजर रीज़न था आईब्रोज और अपर लिप्स, क्योंकि लॉकडाउन था और मैं कहीं नहीं जा सकती थी और मैं वीडियो बना रही होती थी, तो मुझे वीडियो में अपनी अपर लिप्स और आईब्रोज बिल्कुल क्लीन मतलब अच्छे चाहिए होते थे, शेप चाहिए होते थे। मैं नहीं चाहती थी इसे जंगली जैसी मेरी आईब्रोज दिखे। सो मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आप अपना फेस शेव कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका फेस पूरी तरह से क्लीन हो, पूरी तरह से क्लीन। आई मीन नो मेकअप, बिल्कुल भी मेकअप आपने अप्लाई नहीं किया हुआ हो। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया अपने फेस पे, मैंने अभी जस्ट अपना फेस वॉश किया है और इसके बाद मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करती हूँ बायोटेक की ये क्रीम। मैं बहुत ही कम अमाउंट में इसे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है हमको मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का सिर्फ एक रीज़न है ताकि हमको कोई कट ना लगे, क्योंकि हमारी स्किन जब हम लोग फेस वॉश करते हैं तो थोड़ी ड्राई होती है और ड्राई स्किन पे कट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इतना अमाउंट में हमने मॉइस्चराइजर लिया है। और इसे एक बार मैं क्लीन करूंगी, वैसे तो क्लीन है बट फिर भी सेफ्टी के लिए। आई एम स्टार्टिंग विथ माई अपर लिप्स। तो जैसे आप पार्लर में ऐसा फेस बनाते हो ना, सेम वैसे ही आपको करना है जहां भी आप रेजर अप्लाई करने वाले हो, उस स्किन को ढीली नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा टाइट करना है। जब हम घर की हेयर रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ से स्किन को टाइटली पकड़ेंगे। अब स्किन को मैं ऊपर से टाइट करके नीचे की तरफ पेड अप्लाई करती हूँ। नाउ हम लोग यहाँ से स्किन को टाइट पकड़ेंगे। जब भी आप सबसे पहली बार रेजर अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर से इसे अप्लाई नहीं करना, बहुत ही आराम से इसे अप्लाई करना, बहुत ही आराम से हेयर रिमूव करना ताकि आपको कोई कट ना लगे। हम लोग यहाँ के हेयर रिमूव करने वाले हैं तो यहाँ की स्किन हम लोग टाइट करेंगे। फॉरहेड पे हम लोग यहाँ से स्किन को टाइट करेंगे ऊपर से और जस्ट नीचे की तरफ। और जब आप आईब्रो के पास इसे अप्लाई कर रहे हो तो जैसे हमारी आईब्रो का शेप है ऐसे और ऐसे, तो ब्लेड को हम लोग ऐसे ही डायरेक्शन में चलाएंगे यहाँ से। मैं अपनी आईब्रोज बहुत ज़्यादा शार्प नहीं बनाती हूँ, मुझे थिक आईब्रोज पसंद है, तो मैं सिर्फ इसे थोड़ा थोड़ा ही ट्रिम करती रहती हूँ। और मेक श्योर कि आप जब भी रेजर अप्लाई कर रहे हो, अपने फेस शेव कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर लाइट हो ताकि आप अच्छे से शेव कर पाए, आपको कोई कट ना लग जाए गलती से भी। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है।
ब्लेड से मैं यहाँ वाली हेयर नहीं रिमूव करती हूँ, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और मुझे हर बार डर लगता है कि कहीं मुझे गलती से भी ब्लेड ना लग जाए। फिर यहाँ के हेयर अभी मुझे ज़्यादा हेयर हो जाते हैं, तो यहाँ के हेयर रिमूव करने के लिए मैं प्लकर यूज़ कर लेती हूँ। और जब हम लोग इस पार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं रेजर, तो ध्यान रखो यहाँ पसीना वगैरह नहीं आ रहा हो। और ध्यान रखना है हमको कि इसकी ब्लेड थोड़ी बड़ी है, तो हम लोग इधर और इधर कट ना लगा ले ताकि हमारी आईब्रोज ना बिगड़ जाए। हमको पूरा रेजर नहीं चला के ऊपर ऊपर से प्रेशर देना है और नीचे का रेजर पे हम लोग को प्रेशर नहीं देना है। जब भी आप शेव कर रहे हो ये कभी मत करना कि बहुत जल्दी जल्दी में आप शेव करो, बहुत टाइम लेके करना, क्योंकि आप जब भी कोई काम जल्दी जल्दी करने जाते हो ना, तो उसमें कट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। रेजर हम आराम से 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड ऑन यू कि आप इसे सेकंड टाइम यूज करना चाहते हैं या नहीं। और यदि आप इसे सेकंड टाइम यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर ये आप सैनिटाइज करके रखिए, और जब भी आप इसे वापस यूज करने वाले हो तो एक बार फिर सैनिटाइज करें, इसे धोना मत ताकि इसमें जंग ना लग जाए गलती से भी। इसके बाद मैं अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। फेस वॉश करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये गुलाब जल। टोनर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ बायोटेक का क्रीम। और मॉइस्चराइजर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना सनस्क्रीन। यदि आपने मेरा वीकली स्किन केयर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं ये सनस्क्रीन क्यों यूज करती हूँ, और यदि आपने अब तक नहीं देखा तो मस्ट चेक इट आउट, उसमें मैंने अपना पूरा स्किन केयर रूटीन आपसे शेयर किया है। फेस शेव करने के बाद कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, उसमें सबसे पहली चीज है कि जब भी आप फेशियल हेयर रिमूव कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने अपना फेस फिर से वॉश किया हो, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें। सेकंड थिंग, कि आप कोई भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट शेविंग के बाद यूज ना करें, हो सकता है उससे आपको इरिटेशन हो। थिंग इज कि जब भी आपने अपना फेस शेव किया है उसके बाद आपको एक्सफोलिएट और स्क्रब बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कम से कम 1 दिन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा इरिटेट करे। शेव करने के तुरंत बाद मेकअप अप्लाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारी स्किन को अभी हमने क्लीन किया है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मोड में होती है, उसके ऊपर यदि आप मेकअप अप्लाई कर लोगे तो मे बी वो स्किन को डैमेज कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज, आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, बट फेस शेव करने के बाद अपनी स्किन को बहुत ज्यादा छूना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और चिकनी हो जाती है हमारी स्किन शेव करने के बाद, और हमारा बार बार मन करता है कि तो टच करें, बट प्लीज़ ऐसा मत करना, हो सकता है आपको स्किन में इरिटेशन होने लग जाए थोड़ी देर। और हाँ, यदि मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, और मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करो। बाय बाय, टेक केयर।